प्रदर्शन करते, फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। भैया देश में हर गरीब और आम आदमी धरना प्रदर्शन करते हैं, कौन है बंधुआ मजदूर और दहियारी मजदूर को देखने वाला? गरीबी रेखा की तय हो गई, लेकिन अमीरी रेखा आज तक तय क्यों नहीं हुआ? आप कुलियों के लिए क्या करो ना अमीरी रेखा, कुलियों के सवाल पर लगातार हम लड़ते रहे हैं, और कुलियों के ही नहीं, हर गरीबों के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर कंप्लीट रूप से आर पार की लड़ाई है। आगे क्या योजना है? आज हम मंत्री से मिलेंगे, और जो ग्रुप डी का मामला है या बूढ़े बुजुर्गों को नौकरी का मामला है या जो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गए उनके जो माली और चपरासी का मामला है, ये मामले को हम आज मंत्रिमंडल तक देंगे, और जरूरत होगी तो लोकसभा में भी उठाएंगे, जरूरत होगी तो सड़कों पर इनके साथ खड़े होकर आर पार की लड़ाई भी लड़े। मैं मोहम्मद कली मकरानी झांसी डिवीजन से हूँ। प्रमुख मांगे हैं आपकी, आप आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार तानाशाही कर रही है, और सरकार का शुरू से ये रवैया रहा है 5 सालों में जो सरकार अभी रहा, कि वो गरीब और मजदूर वर्ग के साथ नहीं है, इससे ये मालूम चलता है। और हम लोगों की जो मांग है ये नई मांग नहीं है, हम लोग काफी समय से इसको उठा रहे हैं, और समय समय पर हम लोगों ने जो भी रेल मंत्री जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको हमने अवगत कराया लेटर द्वारा, लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुली एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि कुली के पास काम नहीं है इसलिए नौकरी मांग रहे हैं। अगर हमारे पास स्टेशनों पे काम होता हम अपना परिवार चला लेते, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और हम लोग कोई आईएएस आईपीएस की नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ वो मांग रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग मजदूरी ग्रुप डी का जो काम होता है, मेहनत का काम होता है। हम लोग कोई बड़ा कुछ बंगला गाड़ी नहीं मांग रहे हैं सरकार से, और देश के रेल मंत्री जी ने जो दिल्ली में ये कहा था कि आप लोग तैयारी कीजिए, ये सरकार सबके साथ है और आप तैयारी करके कंपटीशन करके नौकरियों में आइए, तो मैं रेल मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का कौन सा डिपार्ट है जो 40 साल 45 साल के लोगों को नौकरी देगा और वो अपने बच्चों को पालेगा कि तैयारी करेगा, तो ये मैं सवाल करना चाहता हूँ देश के रेल मंत्री जी से। आप लोगों को तमाम दिक्कतों का जिस प्रकार से सामना करना पड़ता है, क्या ऐसी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं, कुछ बताएंगे डिटेल में? दिक्कतें ये सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ ये आ रही है कि एक गरीब आदमी तो छोड़ो, एक अमीर आदमी जो संपन्न परिवार से है वो ट्रॉली खींचता है हम लोगों के सामने और ये बोलता है सॉरी भैया इसमें चक्का लगा हुआ है, तो दिल पर समझ लीजिए एक छुरा सा चलता है, क्योंकि हम लोग उसी के सहारे बैठे हुए हैं, और लिफ्ट लग गया है तो वो रखता है अपना सीधा वहाँ अपने पहुँच जाता है, तो हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक पूछताछ केंद्र की तरह बन गए हैं, इसके अलावा कोई रोल नहीं रहा हमारा। और हम लोग परिवार चलाएं कैसे, हम लोगों के साथ दो परेशानियाँ हैं, एक तो हमें सबसे हिंदुस्तान के अंदर एक लोगों ने समझ बना ली, बड़े लोगों ने भी, कि हमें बहुत कम दर्जे का समझा जाता, हमारा सम्मान भी चला जाता और हमें रोजी रोटी भी नहीं है, तो हम लोग दो तरफ से मर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जैसे किसान वगैरह हैं इनको तो लोन माफ हो जाते, इनके इनकी फसल का इनको अनुदान मिल जाता, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों का खून चूस रही है समझ लो रेलवे, और हम लोग बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त में है। आपने देखा गया है कुली वर्ग ने बहुत सहयोग दिया है रेलवे को जी, तो आज इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? यही तो हम लोगों को बड़ा दुख है कि हम लोग रेलवे का जो काम करते हैं वो ऐसा काम है, एक बार में हजार लोगों को भी अगर हमें यात्री को बताना पड़ा तो हम उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में उसको जानकारी देते हैं, तो दुख इस बात का होता है कि हमारे परिवार के ही हमारे जो सक्षम अधिकारी सक्षम रेल मंत्री जी हैं जो दे सकते हैं नौकरी, दुख इस बात का है कि हमारे वो हमें अपना अंग मानते हैं, उन्होंने कहा कि आप रेलवे के अंग हो, आप लोग रेलवे को सेवा देते हो, लेकिन ऐसी कौन सी समस्या है उनके सामने कि हम लोगों का उन्हें हम लोगों के मासूम बच्चों के हमारे परिवार के बुझते चूल्हे नजर नहीं आ रहे, स्थिति खराब स्थिति है। मैंने अपील भी की थी जागरण में कि बड़े लोगों से कि भैया आप लोग कम से कम उड़वाइए, लेकिन एक 5 साल का बच्चा भी खेत के चला जाता, तो इसमें बड़ा दुख होता है। हम लोग हिंदुस्तान में हैं और तानाशाही ऐसी चल रही है जैसे हम इराक और ईरान में हों। कहाँ कहाँ अभी तक अपील दे चुके हैं हम लोग, ये मान लीजिए ऐसा कोई उचित अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई रेल मंत्री राज्य मंत्री चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, या तकरीबन सारे डिपार्ट के जितने भी अधिकारी हैं सबको दे चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमारा समझ लो जी है कि स्थिति और दिन ब दिन खराब हो रही, लेकिन अगर हम लोगों को सुनवाई नहीं हुई तो मैं एक बात पूरे हिंदुस्तान के कुलियों की बात पे ये कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे सरकार के खिलाफ, इनको हिंदुस्तान के अभी जो 3 राज्यों से गए इनको पूरा हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, जो चुनाव आ रहे हैं, हाँ चुनाव में हम लोग अगर रेल मंत्री जी हमारी नहीं सुनते तो चुनाव में हम लोग अपनी टोली बना करके गाँव गाँव शहर से जा करके इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कुली पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ स्टेशन है वहाँ कुली है, और कुली का आप ये मान लीजिए अगर 25,000 है तो 25,000 उसके परिवार और उसके अलावा उसके जो मिलने वाले हैं उसके जो समाज के लोग हैं वो पूरा उसका बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, और हम लोग आने वाली सरकार का इंतजार करेंगे, अगर आने वाली सरकार भी हमारी नहीं सुनती तो हम लोग बहुत बड़ी स्थिति में आने वाले हैं इस टाइम में। जिस तरीके
तरीके से आप लोग तो पुरुष हैं, क्या महिलाएं भी इसमें? जी हाँ, महिलाएं भी स्टेशनों पर कुलीगिरी का काम करती हैं। उनके उनके समस्या उनके साथ और ज्यादा है, क्योंकि उनके साथ उनके पति नहीं है, उनका ट्रांसफर बिल्ला होकर के आया मान लीजिए, तो उनके लिए और बड़ी परेशानी है। वो कैसे उनको फेस करती होंगी, ये बड़ा सरकार को, उस पर महिला के लिए अगर बराबरी का अधिकार है तो उनको तो और पहले सोचना चाहिए सरकार को कि महिलाएं कुली भी हैं। क्या महिला आ रखी है? जी आई है महिला। हाँ, महिला भी कुली आई है यहाँ पर। बात इसलिए कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि सबका साथ सबका विकास, विकास से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विकास के साथ हमारा भी विकास हो तो पूरा विकास होगा। तो मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कि बुझी है जो समा वो जल भी सकती है, कश्ती हदी तूफान से निकल भी सकती है, मायूस ना हो, अपना इरादा ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, ऐसा ना हो आपका तख्ता पलट हो जाए और आने वाली सरकार हमें ग्रुप डी दे दे। आप हमेशा इस बात को सोच के चलें। हमें उम्मीद है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम कांग्रेस के साथ पूरा समर्थन कांग्रेस को देंगे, काम करेगा हम उसके उसी को देंगे जो हम लोगों मैं आप लोग आप, आप मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूं कि हमारे उन्होंने हमें दिखा रहे हैं, हमारी आवाज़ वहां तक पहुंच रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा। हम मीडिया का हमेशा धन्यवाद करते हैं इसीलिए कि मीडिया ही हमारा एक वहां तक पहुंचाने, गूंगी भेरी सरकार तक हमारी बात पहुंचाती है। परिचय दीजिए। मूलचंद वर्मा, ग्वालियर जंक्शन स्टेशन से। क्या बताइए, क्या अपील करेंगे सरकार? हम लोगों की मांग सर ग्रुप डी है, मांग तो वही सीधा बोल रहे हैं, जिसके प्रति हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और करीब करीब 8 साल से लड़ते आ रहे हैं इस सरकार को, पूरे जो निकम्मी सरकार है और ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो इन लोगों के साथ हम लोगों ने हर तरह से आंदोलन कर ले, सब रेलों को और हड़ताल भी कर ली, धरना प्रदर्शन कर लिया, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि यदि सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले टाइम में 2019 में इस सरकार को गिराएंगे और पूरे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक घर घर जाके, क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क की तरह छाए हुए हैं, तो हम लोग घर घर जाके अपने मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि भाइयों, ये निकम्मी सरकार है, उद्योगपति सरकार है, इससे दूर रहो, क्योंकि ये अपन लोगों गरीब आदमियों का साथ नहीं दे पाएंगे और न देंगे। जिस तरीके से आप गुजर बसर करते हैं, डिपेंड है अपनी कुली वर्क पर, और आप लोगों को डी ग्रेड का जो आप मांग कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो कौन सी दिक्कतों का सामना, कैसी कैसी दिक्कतों का सामना आप लोगों को सामना? तो घर में जाते हैं तो कैसा फेस करना पड़ता है, घर परिवार को कैसे फेस करते हैं? घर परिवार में तो सर यहाँ से हर आदमी उम्मीद करके आता है कि 2 पैसे आए, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो बच्चों बोलते हैं कि पापा ये चीज़ चाहिए, पापा वो चीज़ चाहिए, जिसके बाद छोटे बच्चे हैं वो तो हर डिमांड को करते हैं कि पापा ये चीज़ ले आना, वो ले आना, जब घर जाते हैं तो एक कुन्ने में अपना मुंह छुपा के बैठ जाते हैं। यही हम लोग रहे, बिल्कुल इसी पे अपना दिल पे पत्थर रखो चाहे छू लगो, इसीलिए अब इसके आगे हम मतलब कुछ कह नहीं पाते बच्चों के सामने। पढ़ाई लिखाई की तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़े आदमियों की उम्मीदें हैं कि हर बच्चा उनका IAS बने, ये बने, वो बने, लेकिन हम लोगों की उम्मीद तो ग्रुप डी से अलावा 2 पैसे धंधा पानी बिल्कुल है नहीं है, क्योंकि आजकल फैसिलिटी के तौर पर सरकार ने इतने बड़े कदम उठा दिए कि पैसेंजरों को हर चीज़ की फैसिलिटी दे, लेकिन हम लोगों का जहां जब से रेल चली तब से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों का कोई भी आज तक किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना किसी चीज़ की फैसिलिटी ना कुछ। और फैसिलिटी का मैडम करेंगे क्या, क्योंकि जब पैसा नहीं है तो फैसिलिटी नहीं है, और जब पैसा आएगा तो हम लोगों की फैसिलिटी हर तरह से हो जाएगी। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को सिर्फ ग्रुप डी का ही दर्जा प्राप्त। अगर ये डिमांड नहीं सुनती आपकी सरकार तो आगे क्या करेंगे आप लोग? यदि ये डिमांड नहीं सुनेगी तो हम इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को नहीं रहने देंगे, चाहे सो हमें कोई भी कदम उठाने पड़े। फिर रोको आंदोलन, आत्मदाह, हर तरह से हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, और मरे मराए सरकार ने छोड़ ही दिया, अब और बची खुची है तो अपने उसी के सामने संसद भवन पे अपने हम लोग जाके अपना आत्मदाह करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं आप? देखिए मैम, आपकी लगातार आप कोशिशें करते हैं फिर भी सरकार नहीं सुन रही है तमाम। अभी आपने 2 महीने पहले भी किया था धरना, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। राहुल गांधी RSU में लगे हुए हैं, अगर नहीं काम करते हैं तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैम, हम आप लोगों के माध्यम से जो हम लोगों की सूचनाएं हैं परस्पर सरकार के पास पहुंच चुकी हैं, और हमारे भाई वगैरह आपको सारी बातें बता चुके हैं कि हम लोगों की समस्याएं क्या हैं।
तो हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं मैडम। अब हम आपको अब आ गया है समय सरकार से मांगने का, नहीं छीनने का समय। अगर सरकार ने अभी तक हमें प्यार से नहीं दिया तो सरकार ने अभी तक अपनी ताकत दिखाई है, तो 2019 में जो हम लोगों की ताकत है वो हम उसे दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। अगर ये सरकार हम लोगों के विषय को लेकर वाकई में अगर सोई हुई है तो हम 2019 में इसे बाकायदा सुलाएंगे, और अगर ये कंबल उड़ के सो रही है तो सर हम दो कंबल और उड़ा के सुलाएंगे। हमारी ताकत जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट बैंक। अभी सरकार जो है वो हमें केवल 25,000 कुली की काउंटिंग कर रही है। अभी ये नहीं पता है ना कि 25,000 के परिवार भी हैं, अगर उसे काउंटिंग करते हैं तो 1,25,000 हो जाते हैं हम। तो हम अपनी 1,25,000 की ताकत इन्हें 2019 में दिखाएंगे कि कुली क्या कर सकता है। इन लोगों का सोचना ये है कि कुली कुछ नहीं कर सकता, कुली एक निचले वर्ग का इंसान है, इसकी क्या ताकत होगी। इसकी ताकत हम 2019 में दिखा देंगे, क्योंकि विपक्षी सरकार से हमारी जो बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम कुलियों का ही मुद्दा उठाएंगे, जो कि आज हमारे श्री माननीय पप्पू यादव जी ने भी कहा है कि वो अभी 3 बजे श्री माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आज पार्लियामेंट में बात उठाने की हम लोगों से बात कही थी, उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना समय दिया है। तो देखिए धीरे धीरे करके पप्पू यादव जी जैसे लोग भी हमारे साथ आते जा रहे हैं। हमारे साथ इलाहाबाद में जय जवान जय किसान के लोग हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। हमने रेलवे से रेल रोको आंदोलन किया था तो रेलवे ने हमें 3 करोड़ का तोहफा दिया है, हमने उसे भी स्वीकार किया है और उससे हम लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से रेलवे अपनी ताकत दिखाएगी, हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन मैम हम अपना हक तो ले लेंगे, आप लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं जाती हैं उनका मैं शुक्रगुजार करता हूं, और आज नहीं तो कल आने वाले बजट तक हम अपनी हक अपना हक अपना ग्रुप डी का दर्जा सरकार से ले लेंगे, चाहे कैसे लें, चाहे प्यार से लें, चाहे रेल की पटरियां उखाड़ कर लें, चाहे आम दाया करके लें, चाहे पूरे परिवार को हम रेल मंत्री जी के घर के सामने बैठा कर लें। ये खुला चैलेंज है मेरा इस सरकार को कि अगर 2019 के पहले पहले कुलियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कुली आपका वो कितना ध्यान देगी वो आपको पता चल जाएगा। जय हिंद जय भारत। लाल वर्दी जिंदाबाद।